थोड़ा इसको अंदर, ताकि वो एज जो है ऐसा ऐसा स्मूथ देखना चाहिए। नाउ एक चीज है, देखो अभी जो मेरा फिंगर है वो एकदम स्ट्रेट है, अभी तुम तुम्हारा लेफ्ट हैंड देखो वो स्ट्रेट नहीं रहता है, वो कैसा रहता है थोड़ा ऐसा कर्व ही रहता है, ठीक है ना, थोड़ा ऐसा कर्व ही रहता है, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर आता है, इतना भी नीचे नहीं जाता है बट थोड़ा सा ऐसा नीचे चला जाता है, राइट, ठीक है। तो चैट बॉक्स में कुछ तो लिखो तो मुझे समझ में आएगा तुम लोग ऑनलाइन हो या नहीं हो। हाँ तुम हो, सिंसियर टॉपिक है, ठीक है। तो ये इस तरह का टोपोलॉजी हमको क्रिएट करना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो मेरा स्ट्रेट है उसको धीरे धीरे हम लोगों को पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये पूरा पोर्शन ऐसे सिलेक्शन कर लेता हूँ, हम लोग देख लेंगे कि वो कुछ उल्टा सीधा सिलेक्शन ना हो जाए, एंड पर इसको पीछे की तरफ देंगे, तो पीछे की तरफ अगर देना है तो बेटर है कि मैं फ्रंट व्यू में चला जाऊँ, एंड देन बीच को बीच में पकड़ो, तो मुझे पाइवट पॉइंट है, बीच में पकड़ो उसको, एंड देन पीछे ले जाओ। तो तुमको इधर दिख रहा है कि वो कितना नीचे आ रहा है कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो साइड वाला पोर्शन है पूरा नीचे से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको नीचे किया इस जगह को पकड़ के, एंड देन अगेन मैंने ऐसा सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, ओके। देख लेंगे कि उल्टा सीधा सिलेक्शन ना हो जाए कोई, ये हो गया, तो सिमिलर वाइज में इसको भी थोड़ा सा, इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आधा आधा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे डाला। और पर्टिकुलर इसको ठीक है पीछे डाले मेरा सर, ठीक है। तो मोर और लेस मेरा जो ये हुआ तुम देख सकते हो कि ये ऐसा है, फिर थोड़ा पीछे की साइड चला गया, ठीक है। पहले जैसा स्टेट था अभी ऐसा स्टेट नहीं है, तो अभी उसको थोड़ा ठीक करेंगे, उसका जो भी टोपोलॉजी है अभी थोड़ा थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देते हैं। अभी ये तुम्हारे ऊपर है, एक्चुअली ये जो चीज़ है ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व किया है हर एक चीज़ को, ये मैं तुमको सिखा नहीं सकता, ये तुम्हारे खुद से आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, ये तो मैं बोल बोल के दिखा रहा हूँ अलग बात है, बट ये फीलिंग्स होता है, ये नीचे जाएगा ये भी नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ये ऐसा नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसा ये भी नीचे की तरफ, ठीक है ना, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, और ये भी पीछे की साइड थोड़ा ऊपर, सिंगल वॉइस में नीचे भी क्या होगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ ऐसा, हम लोग थोड़ा शिफ्ट करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है ये खाज हम लोगों को दिख रहा है, जस्ट मैंने थोड़ा सा वाटेज को अप एंड डाउन किया है, नथिंग एल्स, ना ही मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया है ना ही कुछ एडिशन किया है, तो बोला कुछ नहीं किया है, जस्ट वाटेज को ऊपर नीचे किया है, तो ये खाज हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और ज्यादा अपडेट करना है तो ये पोर्शन हम लोग ऊपर करेंगे, बीज वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर रहता ही है, ठीक है, इसको भी ऊपर, ठीक है। तो सर्टन क्राइटेरिया के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस करना पड़ता ही है, ये बोन का ऊपर वाला पोर्शन है तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अभी ये परफेक्ट राउंड जैसा है,
नाउ अभी आ जाते हैं हम लोग थंब पे, ठीक है। इसको हम लोग और भी ज्यादा डिटेल करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी इतना तक हो जाने के बाद हम लोगों को थंब कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मोर ऑर लेस मेरा हाथ का जो फिंगर है वो तो बन गया, अभी इसका थंब भी हो जाना चाहिए। तो थंब के लिए ये जो स्प्लिट है उसको हम लोग यूज करेंगे, ऑलरेडी ये टोपोलॉजी है, और उसके लिए थंब के लिए मैं और टोपोलॉजी यहाँ ऐड कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ तुम इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर अलग से ये दो टोपोलॉजी इधर भी ऐड कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ तो मैं यहाँ टोपोलॉजी ऐड करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ओके। एंड ये जो मैंने स्प्लिट लिया है इसके बीचों बीच भी एक स्प्लिट आएगा, क्योंकि अभी मैं इसको यूज करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ कितना वर्टेक्स है मेरा, यहाँ सॉरी कितना फेस है, दो ही फेस है। तो मैं इसके लिए इधर एक और टोपोलॉजी इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करने के बाद कितना फेसेस हुआ, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो एक्सट्रूड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, कैसे मॉडिफाई, पहले इसको थोड़ा सा जो कम है कुछ भी करने से पहले एकदम प्रोपोर्शन पहले ठीक कर लो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। इतना याद रखना, कुछ भी करो पहले अपना प्रोपोर्शन ठीक कर लो, देन फिर ऑटोमेटिकली तुम जब करोगे वो ठीक होता रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं। तो इसके लिए मैं उसका सेट पैटिस जो भी है उसको ठीक कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या किया ना, इसको मैंने व्यू सिलेक्टेड किया, व्यू सिलेक्टेड मतलब मुझे काम इसमें जगह पे करना है, तो पूरा बॉडी अगर रहेगा तो मे भी तुमको घुमा के देखने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने शो में गया आइसोलेट सिलेक्टेड में मैंने पर्टिकुलर उस हाथ का उतना पोर्शन फेस सिलेक्शन करके मैंने व्यू सिलेक्टेड किया, मतलब उसको ऑन किया तो पर्टिकुलर उतना ही पोर्शन दिखेगा, बाकी ये हाइड रहेगा। एंड देन दोबारा तुम उसको अगर शो करना चाहते हो उसको बंद कर दो तो वो शो करेगा, ठीक है। हम लोग का जो थंब होता है वो बेसिकली निकलता है नीचे से, इस जगह से तुम अपना हाथ देखो, वो थंब जो है वो बेसिकली इस जगह से निकलते हैं, बट कभी कभार कोई कोई जो निकलता है ना वो इस जगह से भी निकल सकता है, तो दोनों सही है अपने अपने जगह पे, बट मैं अगर इधर से निकलता हूँ तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो मैं इसको एक्सट्रूड किया है, अभी एक्सट्रूड किया मैंने ग्लोबल एक्सेस, तुम कोई भी एक्सेस में उसको निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जब हम लोग निकलते हैं तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो निकलता ही है, तो थोड़ा सा निकलने के बाद हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसा, पहले तो ये ऊपर जैसा ऐसा है उसको सीधा लेके आएंगे स्ट्रेट, ताकि थंब का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ऐसा जाएगा। हम लोग अगर नॉर्मल थंब रखते हैं, नॉर्मल तुम्हारा हाथ ऐसा रखो, तुम देखोगे ठीक है आईने के सामने, अगर तुम ऐसे रखोगे ना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ठीक है, तो तुम देखोगे ये जो थंब है ना ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऐसा नीचे की तरफ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तुम अभी भी अपना हाथ रखकर देखो एकदम नॉर्मल वेज में, ऐसा स्ट्रेट मतलब बहुत हार्ड नहीं, एकदम रिलैक्स करके देखो तो तुम्हारा थंब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो मॉडल बनाते हैं रिलैक्स मोड में बनाते हैं, ठीक है, ताकि सब कुछ वो आराम से रहे एंड फिर उसको तुम रिक कर पाओ। तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ, पहले भी मैंने दिखाया था, तो मैं ना अभी इसको मुझे जैसा कि ये राउंड शेप में है ना प्रॉपर, अभी मैं इसको भी राउंड शेप में करने वाला हूँ, तो ये अभी हम लोगों को मैनुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर का जो एंगल है तुम देख सकते हो कितना डिस्ट्रक्टिव है, ओके। तो मैं उसको मैनुअली राउंड करवा रहा हूँ,
इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना काम तुम मैनुअली करोगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे या फिर उतना ज्यादा तुम्हारा अपडेट होता रहेगा। जैसे ये जो मैंने फिंगर बताया, ये एक्चुअली पहले हम लोग फिंगर एक एक करके फिंगर निकालते थे, ठीक है? तो ये तो एक हो गया, एक टेक्निकली ट्रिक्स हो गया। लेकिन तुम अगर इसमें अपडेट करना चाहो या फिर अच्छा मॉडलर बनना चाहो तो कभी भी तुम ऐसा एक्सट्रैक्ट करके फिलर के लिए अभी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा मत बनाओ, ठीक है? तुम एक एक करके फिंगर को एक्सट्रूड कर सकते हो, जैसे काफी सारे स्टूडेंट ने किया भी है, एक एक करके फिंगर को एक्सट्रूड करो, ठीक है? ये तो ऑप्शन है, ट्रिक्स है, इसलिए मैंने बता दिया। पर एक एक करके करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए, मतलब तुम्हें तुम समझ रहे हो कि हर एक फिंगर का तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। यह भी सेम ऐसे ही है, इसका कोई अलग फंडा नहीं है, है पर मैं नहीं दिखूंगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अभी इसको राउंड शेप में करो, अच्छी तरह से देख लो, ये पूरा जगह, पूरा जो एरिया है सब में उसको राउंड शेप में करो। इवन फिंगर अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हाथ, तुम्हारे हाथ के नीचे का पोर्शन जो ऐसा ऐसा फुला हुआ रहता है, राइट? ऐसा दबा हुआ, ऐसा पटक से नहीं रहता है। ये जैसे ही हाथ का फिंगर का नीचे पाम वाला पोर्शन है ना, ऐसा फुला हुआ रहता है, तो वो भी हम लोग ऐसा वर्टेक्स पकड़ के क्रिएट करेंगे। एंड देन इसको भी नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसा सामने की तरफ आएगा, ओके? एंड देन सब एक साथ जहाँ तुम्हारा आँख जाता है वैसे उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको उसी हिसाब से बनाते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बाद में करूंगा उसको बाद में करूंगा, जो भी हाथ के सामने तुमको दिखता है ना ऐसे तुमको बना के आना है। ठीक है, तो अभी तुम देखो इसका ये प्रोपोर्शन आ गया है ना, अगर तुम ऊपर से देखते हो तो इसका प्रोपोर्शन आ गया। बाकी हम लोग को और भी ज्यादा उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। नाउ अगेन मैं इसको सिलेक्शन किया एंड एक्सट्रूड, अभी उसमें सीधा सीधा एक्सट्रूड कर सकता हूँ, मतलब तुम दोनों एंगल में कर सकते हो। ये ग्लोबल एक्सेस है, ये लोकल एक्सेस है और ये ग्लोबल एक्सेस है, तुमको जैसे इच्छा होगा तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि जो हमारा फ्रंट में जो फिंगर है उसके हिसाब से थंब का थिकनेस, कोई कोई क्या करता है कि बहुत सारे छोड़े तुम लोग ऐसे करते हो, वो ये मेजरमेंट नहीं फॉलो करते हो कि सामने वाला जो फिंगर है उसका थिकनेस कितना है, उसके कंपेटिवली मुझे थंब कितना जाड़ा या फिर कितना पतला होना चाहिए, ठीक है? तो ये हम लोग को कंपेयर करके जाना है, तो वो उसके हिसाब से ही हमको थंब बनाना है एक्चुअली। तो वो थिकनेस हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है? और थिकनेस एंड लेंथ, ये दोनों चीज, लेंथ मतलब तुम तुम्हारा फिंगर देखो कि तुम इतना याद रखो कि जो तुम्हारा ये फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, जो कंपैरेटिवली ये फर्स्ट फिंगर और तुम्हारा थंब मोर ऑर लेस सेम लेंथ का होता है, ठीक है? तो जितना बड़ा ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक, उतना बड़ा तुम्हारा थंब भी होना चाहिए, ना छोटा ना उससे बड़ा, ठीक है? 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा फर्क मतलब मत करो जो आंख में दिखता है, मतलब तुमको फटक से दिख के पता चला रही यार तो थंब तो बड़ा हो गया या फिर ज्यादा हो गया या थंब छोटा हो गया, ऐसे नहीं। पर थंब को जब हम लोग ये थंब को जब हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं, उसका जो टिप पोर्शन है वो ये जो दाग है ये यहाँ तक आता है, मैक्सिमम वो ये जो दाग है ना बीच का यहाँ तक आता है, ये जो बीच का जो टोपोलॉजी है यहाँ तक, वो थंब को अगर मैं उसका ऐसा सीधा लेके आता हूँ तो यहाँ तक आता है, तो वो एक रेशियो रहता है कि वो कितना होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने उसको एक्सट्रूड किया है एंड अगेन एक्सट्रूड, ग्लोबल एक्सेस, और अभी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके ले सकते हो। अभी तुम देख लो तुम्हारे प्रोपोर्शन के हिसाब से थंब ठीक है या नहीं है। अभी लास्ट पोर्शन को स्केल डाउन, ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा होगा,
हाँ तो वो हम लोग कर लेंगे पहले से थोड़ा राउंड शेप में प्रॉपर। और ये जो स्किन है जब हम लोग हाथ पे ऐसे फैलाते हैं ये स्किन काम में आ जाता है सामने की तरफ, ये भी सामने की तरफ आ जाएगा। ओके एक सेकंड, ठीक है ओके कूल। एंड देन यहाँ हम लोग अभी नाखून के लिए फिर अप्लाई करेंगे। पहले अच्छी तरह से देख लो हर जगह से प्रॉपर रहे, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग को दिख रहा है ये प्रॉपर राउंड है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। ये हाथ का जो थंब जॉइंट जो होता है ना, थंब जॉइंट जो हड्डी रहता है बोन रहता है रिगिंग के टाइम पे, यहाँ एक बोन लगता है तो ये इसीलिए इसके हिसाब से थोड़ा ये ऊपर जाता है। ओके आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाखून के लिए मैंने इधर एक स्प्रे अप्लाई किया है और स्टार फेस मुझे मिल गया एक्सट्रूड। अभी मैं इसको लोकल एक्सेस में ही कर रहा हूँ एक्सट्रूड, एंड देन उसके बाद जब मुझे इसको शिफ्ट करना होगा तो मैंने ग्लोबल एक्सेस में उसको शिफ्ट किया ऐसा सामने की तरफ। ओके अगेन एक्सट्रूड, हाँ लोकल एक्सेस में उसको अंदर, अगेन एक्सट्रूड लोकल एक्सेस में ही उसको बाहर किया। एंड देन उसके बाद मैंने तुम ग्लोबल एक्सेस में भी जा सकते हो, अभी बाहर क्लिक करके ये दोनों एज को क्या होगा अंदर की तरह चला जाएगा ऐसा।
ओके, और ये नाखून आ जाएगा बाहर की तरफ ऐसा। जो टिप पोर्शन है हम लोग आगे करेंगे तो फेज थ्री, तो ये तुम्हारा थम का नाखून हो गया नाउ। इसे हम लोग स्प्लिट ऐड करेंगे, कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, पहले तो यहाँ इन स्प्लिट ऐड करेंगे, फिर इसके आगे, इसके पीछे एंड देन यहाँ। यहाँ जो स्प्लिट ऐड किया मैंने एक्चुअली ऊपर उठाने के लिए है, ऊपर जाएगा ये भी ऐसा, एंड देन यहाँ एक स्प्लिट आएगा जो स्केल डाउन होगा, डाउन तो ये फील देखो ये आ गया कि हाँ ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, इस जगह पे स्प्लिट ऐड करना है, ये सब अभी जो जो भी तुमको इधर ऐसा दिख रहा है ना अभी ऐसा ऊपर की तरफ उठाना है। ये तुम्हारा पाम देखो ऐसा उल्टा करके रखो लेफ्ट हैंड, तो तुमको पता चल जाएगा मैं किस पोर्शन को मैं ऊपर उठा रहा बेसिकली। ये सब चीज मैंने जब हाथ बना था तब मैंने सब दिखा दिया था, लेकिन तुम लोग किया नहीं प्रैक्टिस तो भूल गए होंगे, विदाउट प्रैक्टिस ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, प्रैक्टिस तो हम लोगों को करके ही जाना पड़ता है। एंड देन इस डर भी ये ऊपर उठाओ, ये ऊपर उठाओ, अपना हाथ देखो ये चल जाएगा नीचे नीचे, हो जाएगा ऐसा नीचे की तरफ। ओके, अपना हाथ अभी ऐसा रखो, तुम देख सकते हो कि इस जगह पे ये जो वर्टिक्स है ये चला जाता है अंदर, अपना हाथ रखे ओके तो ऐसा समझ में आ जाएगा ये बाहर कुछ इस तरह का शेप रहता है। या एक्चुअली और एक लूप आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं देखे ही आता हूँ। तो पीछे डाल देते हैं और यहाँ एक टुकड़ा लग जाए, या अभी मेरा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है।
सी तुम देख सकते हो इस जगह पे, ठीक है, ये उठा हुआ क्वेश्चन है, बीच में ये डेप्थ है, नहीं ये उठा हुआ क्वेश्चन, और ज्यादा डिटेलिंग हो सकता है, काफी हद तक डिटेलिंग हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी इसको शो किया मैंने, सी।